हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम फंडामेंटल राइट्स टू नॉन सिटीजन्स को पढ़ेंगे, यानी ऐसे राइट्स जो कि हमारे यहाँ पे जो नॉन सिटीजन्स लोग हैं उनको भी हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि सिटीजन किसे कहते हैं और नॉन सिटीजन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों के भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया है, यानी नागरिकता क्या होती है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक भाग 2 में संविधान के अंतर्गत नागरिकता बताया गया कि नागरिकता किसे कहते हैं और गैर नागरिक लोग कौन होते हैं। तो ये जो आज का लेक्चर है ये एक तरह से बोला जाए हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट, यानी एक तरह से जो हमारे खुद के अपने अधिकार हैं, वो ऐसे अधिकार जो हमारे यहाँ के जो गैर नागरिक लोग हैं उनको भी हैं। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं उनकी बात हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत हम देखें तो नागरिक किसको कहते हैं, तो नागरिकता वैसे तो भारत में जो भी मूल भारतीय मूल का आदमी है, यानी जो भारत का निवासी है, जो यहाँ पे रह रहा है, उसकी जैसी ही कोई जो बर्थ होता है किसी भी उनके बच्चों का, तो उसे ऑटोमेटिकली ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। बट बहुत से केस में भारत की नागरिकता मिलने के अलग अलग प्रावधान है जो हम आगे किसी लेक्चर में देखेंगे, परंतु आज का लेक्चर जो है हमारा ये एक तरह से गैर नागरिक लोग है। अब बात आती है गैर नागरिक लोग कौन से होते हैं। तो गैर नागरिकों की बात अगर हम करें तो कोई भी नागरिक जो भारत में आता है यहाँ पे एज अ टूरिस्ट की तरह, तो उसको हम गैर नागरिक की संख्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसी तरह से बहुत अलग अलग तरह से गैर नागरिकता के बारे में एक तरह से नॉन सिटीजनशिप जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। पर आज का जो लेक्चर है केवल और केवल उनकी फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जैसा कि हमें ज्ञात है, एक मैंने पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया था उसमें कि भारत में अगर हम भारत के यहाँ के लोगों के अधिकारों की बात करें, तो केवल अधिकारों की बात करें तो अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक उसका विवरण दिया गया, यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 जो है टोटली हमारे भारत के नागरिक के या फिर और भी गैर नागरिक लोगों के यहाँ के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताते हैं। अब ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका विवरण दिया गया है। तो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि नॉन सिटीजनशिप लोग को दिए जाते हैं। अब बात यह आती है कि ये जो लेक्चर है किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट 2 में बहुत से लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें ये जो लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ में जो पेपर नंबर 1 में भी हमारे बहुत से 3 से 4 सवाल ऐसे आते हैं जो हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय संविधान में हमारे पास करीबन 3 से 4 सवाल आते हैं, उसमें भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और साथ में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन लोगों ने सब्जेक्ट 2 ले रखा है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत भी ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी को देखते हैं। तो ऐसे अनुच्छेद हमारे पास करीबन 8 से 9 है, 9 है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। बहुत ब्रीफ वीडियो है, मेरे ख्याल से हार्डली 10 टू 12 मिनट लेगा, इसके बाद हम इसको पूरा का पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे। नाउ आर्टिकल नंबर 14 यानी अनुच्छेद नंबर 14 जो कहता है, यानी राइट टू इक्वलिटी का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पे सभी को समानता का अधिकार है। ओके, यानी हमारे यहाँ पर लॉ के सामने, यानी हमारे जो कानून के सामने सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। उसी तरह से हमारे यहाँ पे जो भारत के लोग आते हैं उनको भी एक तरह से लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है। तो राइट टू इक्वलिटी, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आदमी किसी भी तरह का जो टूरिस्ट आते हैं हम उसके साथ किसी तरह का भेदभाव करें, इस तरह का बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी अगर कोई इस तरह की जो चीज होती है किसी के साथ, तो जाके सीधा न्यायालय में जाके जा सकता है। तो ये है राइट टू इक्वालिटी। नाउ आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी हम उनको किसी भी तरह से अगर बोला जाए, कन्विक्ट ऑफ ऑफेंसेस का मतलब होता है किसी भी कार्य के लिए, अगर जैसा आप देखते हैं हम किसी भी कोई गैर कानूनी कार्य करते हैं तो सीधा जो एक तरह से एक हमने कोई ऑफेंस किया है, यानी एक कोई
कानून को तोड़ा है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई जरूर सजा मिलनी चाहिए, ये हमारे लॉ के अंदर दिया गया है। परंतु हमें ऐसे भी प्रोटेक्शन है कि कोई भी अगर चाहे तो कोई अगर पुलिस चाहे तो हमें ऐसा नहीं है कि सीधा का सीधा एकदम जेल से जाकर एकदम कर देगा। तो यानी जेल में रखने के बाद हर आदमी को 24 घंटे के अंतर्गत उसे कानून के समक्ष यानी एक तरह से वहां की जो लोक अदालत होती है वहां पे जाकर कोर्ट में उसकी पेशकी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से इनको लोगों को भी नॉन सिटीजनशिप लोगों को भी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस का जो है ये एक तरह का राइट है। यानी हम चाहे तो कोई भी टूरिस्ट आता है हम उसको कोई भी तरह से हम उसको चाहे तो जेल में बंद नहीं कर सकते। अगर हमने किया है तो हमें 24 विद इन 24 आवर्स के अंतर्गत उसे तुरंत हमें कानून के समक्ष उसको रखना पड़ेगा। ओके नाउ वैसे तो सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपने आप में प्री डिफाइंड है क्योंकि बहुत इजी तरह से मैंने इनको लिखा है। आप इसको अगर एक बार पढ़ भी लेंगे तो आपको एकदम टोटली ये याद हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो लिख रहे हैं इसको आप इसको लिख लीजिएगा अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। नाउ नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। यानी हमें यहाँ पर भारत में पूरी तरह से जीने का पूरा अधिकार है, हमें अपनी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। यानी हम चाहें तो अपने लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। पर्सनल लिबर्टी यानी एक तरह से लिबर्टी का अर्थ ये होता है कि हमें हर तरह का यहाँ पे छूट दी गई है। तो ये जो लिबर्टी वर्ड है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहां से ये वर्ड आया है लिबर्टी। तो वहां पे लिबर्टी इक्वेलिटी फ्रेटर्निटी जिस तरह से इक्वेलिटी यहाँ पे टर्म्स यूज किया गया है तो ये तीन ऐसी टर्म है जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। तो पेपर में काफी बार ये आया है कि 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसमें से कौन कौन से ऐसे मुख्य शब्द है जो निकल कर आए थे जिसमें अगर हम बात करें तो उसमें पहला लिबर्टी है, इक्वेलिटी है और फ्रेटर्निटी है। यानी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और साथ में हमारे पास जो अपना जो फ्रेटर्निटी बोला है जो हमारा आपस का भाईचारा है इस तरह की हमें यानी हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कार्य करें इस तरह की चीजें आई थी। तो उसी तरह से अनुच्छेद नंबर 21 में जो कही गई बात है कि हमें अपने जीवन को बचाने का पूरा पूर्ण अधिकार है, साथ में पर्सनल लिबर्टी जो हमें पूरी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है। इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 23 आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। यानी किसी भी तरह का अगर किसी के साथ हम उसको मजदूरी कराते हैं एक तरह से बोला जाए एक तरह से आपने ये शब्द सुना होगा बंधुआ मजदूरी जिसके लिए उन्हें आप लोगों ने ये बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब किसी के ग्रैंडफादर ने कोई लोन लिया और वो साहूकार को अगर लोन नहीं चुका पाता है तो उसके बेटे को भी उसके लिए उस लोन को चुकाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, फिर उसके बेटे को भी कार्य करना पड़ेगा। तो इस तरह का जो होता है एक तरह का इस टर्म को हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं। तो किसी भी आदमी को हम इस तरह से इसके लिए टर्म है बंधुआ मजदूरी जिस कार्य के लिए कोई कार्य एक तरह से कोई मनी ना दिया गया हो उसको बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो इस तरह की चीज जो फोर्स लेबर है हम कोई भी बाहर का जो आदमी भारत में आता है उसको हम इस तरह से कार्य नहीं करा सकते क्योंकि बहुत से ऐसे इस तरह के इवेंट हुए हैं जहां पर भी जो गरीब देश है नेपाल है पाकिस्तान है या फिर श्रीलंका है जिनके सिटीजन को रख के बहुत से लोगों ने कार्य कराए हैं। तो इस तरह की अगर कोई किसी के सामने अगर ये बात आती है तो जाके सीधा कानून न्यायालय में जाकर अपनी एक तरह से अर्जी दे सकता है। तो किसी भी तरह का फोर्स लेबर इंडिया में नहीं होना चाहिए इस तरह की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 23 में। और ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग यानी आपने देखा होगा कि कभी कभार कि भारत के जो लोग हैं यहाँ से एक एग्जांपल है जो बहुत से लोग ऐसे हैं उनको यहाँ पे बहला फुसला कर बहुत से बाहर की कंट्री में लेके जाया जाता है, फिर उनसे बहुत अलग अलग तरह के कार्य किया जाते हैं। यहाँ पे उनको एक तरह से ऐसा प्रलोभन दिया जाता है कि आपको हम जॉब देंगे और जब बात आती है फिर वो चले जाते हैं विदेश चले जाते हैं और फिर वहां पे जो उसके साथ जो कार्य किए जाते हैं एकदम बहुत एक तरह से बोला जाए उस ऐसे वर्ड नहीं है जिसे को बताया जाए। तो इस तरह की जो चीजें होती है एक तरह से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आती है। यानी आपने उनको यहाँ पे जो भारत के जो लोग हैं या फिर भारत से बाहर के जो लोग आए हैं उनकी हम खरीद फरोख्त नहीं खरीद सकते। ओके तो खरीद किसी भी तरह की उनका सेलिंग नहीं हो सकती ह्यूमन बीइंग की, इस तरह का चीज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसके बाद है अनुच्छेद नंबर 24 आर्टिकल 24 इसमें यह कहा गया है कि किसी भी तरह का
प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्री, यानी किसी भी बच्चे को हम फैक्ट्रीज में, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग या बहुत से ऐसे खतरनाक कार्य होते हैं उनके अंदर हम उनको लिप्त नहीं कर सकते, तो इस तरह का कोई भी कार्य हम बच्चों से नहीं कराएंगे। तो जो बच्चे भारत के, जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली है, भारत के नॉन सिटीजन सिटीजन लोग हैं, उससे हम उन लोगों से इस तरह का कोई कार्य नहीं कराएंगे। ओके, इसके बाद है आर्टिकल नंबर 25, इसमें बात की गई है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्रीडम टू चूज जॉब्स एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न तरह के धर्म के लोग होते हैं, तो भारत में आकर उनको अपने धर्म के बारे में बोलने का या फिर धर्म को का प्रचार प्रसार करने का पूर्ण अधिकार है। साथ में वो यहाँ पर आकर बहुत से केस में ऐसा होता है, बहुत से लोग यहाँ भारत में आकर कुछ जॉब्स करते हैं, उनका भी पूरा अधिकार है, पर उनके पास उसका परमिट होना चाहिए। परमिट इन द सेंस कि उसके पास कोई, जो अगर उसे वीजा मिला हुआ है तो उसको पूर्ण तरह से यहाँ पर आकर वो यहाँ पर जॉब्स कर सकते।